मणिपुर मणिपुर मणिपुर, जहां भी देखो हर तरफ सोशल मीडिया पर मणिपुर सुर्खियों में है। और सुर्खियों में रहने का पहला कारण है वहां से विवत्स वीडियो वायरल होना, तो दूसरा कारण लगातार हिंसक तस्वीरें सामने आना। बता दें कि मणिपुर में 3 मई से लगातार अभी तक हिंसा जारी है। रोज वहां से मन को विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन आज मणिपुर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शाह और शहंशाह की रणनीति भी इस पर फेल होती दिख रही है। कैमरे के सामने बैठ के तो रोज होती है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है कि आखिरकार मणिपुर में शांति कैसे लाई जाए। रोज हर घंटे वहां से गोलीबारी और बमबाजी की घटनाएं सामने आती हैं। इस हिंसा में अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि शायद यहाँ चुनाव जो नहीं है। अगर मणिपुर में अभी चुनाव होता तो रोज तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैली होती और हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की चुनावी घोषणा की जाती। बहरहाल मणिपुर हिंसा में अब सीबीआई की एंट्री तो हो गई है। मणिपुर वायरल वीडियो मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीबीआई ने अभी तक हिंसा और साजिश से संबंधित 6 FIR दर्ज की और 10 गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं। मणिपुर हर दिन गोलियों और बमों के धमाकों से गूंज रहा है, लेकिन अफसोस हमारे देश के राजनेताओं को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। एक तरफ 3 मई से लगातार मणिपुर सुलग रहा है तो दूसरी तरफ देश की राजधानी में भी उबाल है। संसद के मानसून सत्र का 6ठा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री मोदी के संसद में न होने पर नारेबाजी शुरू कर दी। वही राज्यसभा की कार्रवाई 27 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और डेरेक ओब्रायन के बीच बहस होने की वजह से इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Don't thump the table. Don't thump it. It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. No. I will call the leaders. No, sorry. The house is adjourned for the day. We can't suffer this. And to meet on Monday, the 31st July. जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो मन को विचलित करने वाले हैं। कल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए भागी भागी फिर रही हैं, और ये वीडियो ही काफी है बताने के लिए। फिलहाल मणिपुर में लोग किस तरह से डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। वहीं मणिपुर की घटनाओं पर विपक्ष के विरोध के बीच भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। सूत्रों से एक खबर भी सामने आ रही है कि गृहमंत्री अमित शाह मैतेई और कुकी समुदाय दोनों के शीर्ष प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। कोशिश की जा रही है कि दोनों समुदायों के प्रमुखों से बातचीत मणिपुर में किसी भी तरह की शांति व्यवस्था बहाल की जाए। गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले सप्ताह 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने का वीडियो सामने आया था और दोनों महिलाओं के साथ गैंगरेप भी किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। वीडियो देखकर सभी का मन आक्रोशित है। अभी भी इसकी आग बुझ नहीं पाई। मणिपुर के हालात को देखते हुए वहां और अतिरिक्त 35,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। लेकिन सवाल यही कि मणिपुर में शांति की बहाली कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।